हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोच सकते हैं अभी हम कहाँ पे खड़ा है। अभी हम गंगा के घाटों पे खड़ा है और यहाँ पे हमें एक चीज़ बहुत ही यूनिक चीज़ दिखा, बॉम्बे का फेमस भेल पूड़ी और बटाटा पूड़ी। शायद एक बहुत कम जगह पटना में लगता है और जहाँ भी लगता है इन लोग का जो टेस्ट और स्वाद होता है ना, वाकई बहुत ही अच्छा होता है। और अभी तो हम खा के ट्राई किए नहीं, अभी हम खा के ट्राई करने वाले हैं भेल पूड़ी और बटाटा पूड़ी। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और पीछे देख लीजिए, पीछे गंगा का थोड़ा व्यू दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये गंगा का पूरा व्यू है। और आप लोग आते हैं गांधी घाट से, जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो ये रोड चल जाएगा, देख लीजिए बहरवा घाट की ओर। और ये बहरवा घाट के ठीक बीच में भागीरथ विहार एक रेस्टोरेंट है और ठीक ये रेस्टोरेंट के सामने ये भैया लगाते हैं बॉम्बे का फेमस भेल पूड़ी और बटाटा पूड़ी। और चलिए खा के हम पूरा व्यू दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। जैसा कि दोस्तों गंगा के ठीक सामने में ये भैया लगाते हैं भेल पूड़ी और बटाटा पूड़ी। ये अगर काट हो गया, ये हम जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या आइटम रखे हैं। आपका नाम क्या हुआ? प्रेम कुमार है। और आप यहाँ कितना साल से बेचते हैं? आठ साल हो गया है हमारा। आठ साल से यहाँ बेच रहे हैं आप ही? यानी बहुत छोटे होंगे उस समय? जी 10 साल 11 साल के थे और उसी समय से बेच रहे हैं। और ये पूरा जो मटेरियल है आप लोग खुद तैयार करते हैं कि? खुद तैयार करते हैं, खुद अपने से कर लेते हैं। हाँ। और कितना देर लगता है मटेरियल तैयार करने में? मटेरियल तैयार करने में जैसे हो गया पापड़ी बेलने में 2 घंटा लग जाता है, 1 घंटा सामान वान चटनी सॉस उस बनाने में लग जाता है, 3-4 घंटा लग जाता है। जो हम लोग यहाँ पे आसानी से देखते हैं खा लेते हैं, उसके पीछे मेहनत आप लोग बहुत रहता है। क्योंकि आप लोग पूरा तैयार करके 5 बजे भोर से जग के तैयार करके आके लगाते हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं नहीं, यहाँ पे पूरा मतलब A to Z रेडी है, ऐसा नहीं है। घर पे भी मेहनत रहता है। और क्या क्या आपके पास अवेलेबल है अभी? हमारे पास भेल पूड़ी, बटाटा पूड़ी। अच्छा। और सेव पूड़ी भी है। तो ज़्यादा है जो सेव पूड़ी नहीं है उतना, लेकिन भेल पूड़ी बटाटा पूड़ी का ज़्यादा चलता है जी। तो अभी हम दोस्तों ट्राई करने वाले हैं भेल पूड़ी और बटाटा पूड़ी। और आप यहाँ अच्छा से बता दीजिए जो एड्रेस, जो व्यूअर लोग आने में दिक्कत ना हो। गांधी घाट भागीरथी बिहार। अच्छा। उसी के बगल में सटा कर लगा, यानी कोई भी पूछेंगे कोई भी बता देंगे। हाँ। टाइमिंग बता दीजिएगा भैया, कितना बजे सुबह में आ जाते हैं? टाइमिंग है जो सुबह में 2 बजे तक यहाँ पर हम आ जाते हैं। अच्छा। और शाम में जाने वक्त हो जाता है 8 बज जाता है। संडे को तो हमारे ख्याल से 9 बज जाता है। हाँ, संडे को 9 बज जाता है। उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए, यही काट है बॉम्बे का फेमस भेल पूड़ी और बटाटा पूड़ी। और आइए अब हम ट्राई करने वाले हैं भेल पूड़ी और बटाटा पूड़ी। और देख लीजिए, ये है मतलब अभी हम गंगा के घाटों पर खड़ा है और सामने में देख लीजिए गंगा का व्यू हो। और यहाँ पे अगर भेल पूड़ी अगर बटाटा पूड़ी आप लोग खाइएगा तो उसका बात ही कुछ और है। अब आइए बनवाने का प्रयास करते हैं। आगे भेल पूड़ी बनाइए। ये क्या डाल रहे हैं? फरी डाल रहे हैं। अभी क्या बनाने जा रहे हैं? भेल पूड़ी। अभी भेल पूड़ी बनाने जा। और उसके बाद बटाटा पूड़ी ट्राई करते हैं। ठीक। उसके बाद आलू रखते हैं। अभी ये गया आलू। आलू है। उसके बाद प्याज। अब क्या डालें? प्याज। प्याज डालें। काफ़ी मटेरियल पड़ता है नहीं जी? नमक डालें। अच्छा। मसाला, चाट मसाला। अब इसको चला दें। चला दें। उसके बाद सॉस डालें। ये क्या डालना है? तीखा सॉस है। इसमें क्या क्या मिलाते हैं आप लोग? इसमें मिर्ची, अदरक, पुदीना सब मिलता है। यानी अदरक, पुदीना, मिर्ची सब मिलाते हैं, उससे काफ़ी स्वाद बढ़ जाएगा। मीठा सॉस है। तो ये खुद से बनाते हैं कि रेडीमेड लाते हैं? खुद से बनाते हैं। तो इसमें क्या डालते हैं? मीठा सॉस। टमाटर, खजूर, गुड़, इमली सब मिक्स। खजूर भी डालते हैं जी? अच्छा। और ये पूरा मिक्स हो गया। भैया का देख लीजिए हाथ, ट्रेन से भी सुपर फास्ट है, आप लोग समझ सकते हैं, काफ़ी फास्ट बना के रेडी कर दी। ऐसे ठोंगा बना के देते हैं ना जी? काफ़ी यूनिक टेस्ट होने वाला है इसे। चलिए, हमें भी रहा नहीं जा रहा है, टेस्ट करके आपको टेस्ट बताते हैं। अभी क्या डाल रहे हैं भैया? भुजिया डाल। अच्छा, इसके ऊपर भुजिया भी पड़ेगा? सेव नाम है। इसके ऊपर सेव भी डाल। इसके ऊपर सेव भी पड़ेगा। उसके बाद पापड़ी डालेंगे। अच्छा, इसके ऊपर पापड़ी भी पड़ेगा। अभी क्या डाल रहे हैं? चम्मच। देखिए दोस्तों, ये मतलब कूट वाला चम्मच रहता है, काफ़ी यूनिक स्टाइल का। अब चलिए खा के आपको टेस्ट बताते हैं। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए, हमारा भेल पूड़ी आ चुका है और अभी हम गंगा के किनारे बैठे हुए हैं और ठीक सामने में गांधी घाट है और इधर बहरवा घाट चल जाएगा ना, और लॉ कॉलेज घाट इधर है सब। गांधी घाट से थोड़ा ही दूर आइएगा
ये बहरवा घाट चल जाता है, लेकिन उधर जाने की जरूरत नहीं है। 200 मीटर आगे की ओर आइएगा तो भारत विहार रेस्टोरेंट है, ठीक उसके सामने ये भैया भेलपुरी बटाटा पूरी लगाते हैं। और आइए अब हम बारी है ट्राई करने का, टेस्ट करने का। ये ऊपर पापड़ी दिए हैं, सेव दिए हैं, और ये है चम्मच, कूट का चम्मच है, और इसके अंदर हल्का सा डालते हैं और खाते हैं। खा ले, वाह मज़ा आ गया दोस्तों। अगर आप भी लोग आते हैं एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना मसाला जो डाले भैया, थोड़ा बहुत भी तीता नहीं लग रहा है, और वो जो मीठा चटनी डाले थे उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा है, और बहुत ही मज़ा आ रहा है खाकर। और एक बाइट और लेंगे, फिर उसको ख़त्म करके कुछ और आगे का व्यू दिखाएंगे। लेते हैं भाई 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 भाई, मज़ा आ गया, जितना मस्त टेस्ट लग रहा है हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर आप भी लोग फ्रेंड और फैमिली के संग घूमने आते हैं, एक बार ज़रूर आके यहाँ का ट्राई कीजिएगा, बटाटा पूड़ी भेलपूड़ी। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए प्लेट लगी, अभी क्या लगा रहे हैं भैया? पापड़ी है। पापड़ी है, और ये पापड़ी खुद से छानते हैं लोग? खुद से बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। तो पापड़ी के लिए मटेरियल क्या होता होगा? मैदा, मैदा रहता है। ये देखिए दोस्तों भैया का पूरा स्पीड प्याज काटने का, और ये कितना दिन में सीखा इतना स्पीड? ये तो हमको लग गया लगभग 1-2 महीना लग गया है। 2 महीना में एक्सपीरियंस आ गया, देखते देखते सीख गए हम लोग। समझिए तो अनजान आदमी इतना काटने के लिए हालत ख़राब हो जाएगा ना, 2 मिनट लगा देगा भैया। आप देखिए घास दिए इतने जल्दी। आप क्या डालने वाले हैं? नमक, नमक। काफ़ी यूनिक सा स्टाइल से बनाते हैं दोस्तों। ये मसाला कौन सा, घर का बनाया हुआ है कि मसाला बनाया? इसमें सब मिक्स होगा ना, क्या क्या मिक्स है उसमें? इसमें जो धनिया है और गरम मसाला है, गोलकी है, जीरा है, पाउडर है, यानी सब मिला के इसमें मिला दिया गया। इलायची इलायची, फिर वही चटनी डाला जा रहा है जिसमें इसमें डाले थे अदरक था, और क्या था, पुदीना था, और ये हो गया चटनी। ये चटनी और चार चांद लगा देता है नहीं जी, इसी में स्वाद बन जाता है। हाँ, और फिर ये गया सेव, अब गया नींबू, अब अंदर बाहर का बताती हो। थोड़ा रेट बता दीजिए व्यूअर लोग। ये हो गया बटाटा पूरी, बटाटा पूरी का 30 रुपया हो गया, और भेलपूरी का 25 रुपया है। अभी जो इसके पहले हम खाए थे भेलपूरी उसका 25 का है, और ये हो गया बटाटा पूरी जो 5 रुपया बढ़ जाएगा, 30 का है ना, 30 का हो जाएगा। और ये हो गया इनका रेट और टाइमिंग, आप लोग जान गए दोस्तों, एड्रेस भी जान गए, और ये हमारा माल तैयार हो गया। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए अभी हमारा बटाटा पूड़ी आ चुका है, और बटाटा पूड़ी को खा के हम टेस्ट बताने वाले हैं। और यहाँ आप लोग जो समझते हैं वो टाइप का चम्मच नहीं मिलने वाला है, यहाँ कूट का चम्मच मिलने वाला है। और चम्मच वम्मच हटाइए क्योंकि हम लोग हैं बिहार के, और चम्मच से खाएँगे तो फिर मज़ा आएगा, आप ही बताइए। सीधे हैंड का यूज करना है, और हाथ से निकलना है बटाटा पूड़ी को। क्या थोड़ा पास से दिखाइएगा, यहाँ देखिए जो भैया चोखा ओखा डाले थे, आलू वालू डाले थे ना, और पूरा मसाला, ये पूरा मसाला का फ्लेवर है। और आइए एक बार एक बाइट लेते हैं, फिर आपको टेस्ट बता दें। हमारे मुंह में सच में पानी आ गया। एक बाइट में पूरा मुंह भर गया है डॉक्टर। मज़ा आ गया। गंगा के पास आप लोग बैठ के भेलपूरी बटाटा पूड़ी खा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। रेट भी पूरा रीजनेबल है, मात्र 30 रुपया में ये बटाटा पूड़ी मिलने वाला है, और भेलपूड़ी मात्र 25 रुपया का आएगा। और काफ़ी मज़ा आया खा के। एक बाइट चलिए और लेते हैं, फिर इसको ख़त्म करके कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं। एक बाइट देखिए निकल गया, थोड़ा सा पास दिखाइए, आप लोग देख के समझ सकते हैं दोस्तों। और ये पूरा बाइट जाएगा मुँह में। भाई 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 भाई, वाकई मज़ा आ गया। अब चलिए इसको ख़त्म करते हैं। कैसा लगा दोस्तों आज का ब्लॉग? ब्लॉग अच्छा लगा होगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा अच्छा ब्लॉग के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भैया ही जगह का भी ब्लॉग बना दीजिए, फाइनली हम उस जगह का ब्लॉग बना देंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ,
प्यार करते हैं आपसे, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। एक चीज़ का नाम भूल ही गए, आप लोग अगर एनआईटी घाट आते हैं, जिसे गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है, 200 मीटर आगे आते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए भैया लगाते हैं बटाटा पूड़ी और भेल पूड़ी। अभी खाएं, दोनों का टेस्ट वाकई बहुत ही अच्छा था। और प्राइज़ ऐसा नहीं है कि घाट पे है तो ज़्यादा प्राइज़ है, प्राइज़ जो मार्केट में प्राइज़ है वही सेम प्राइज़ है, जो रोड के बाहर भी लगता है वही रेट यहाँ पे भी ना है भैया। तो बहुत आदमी सोचते होंगे घाट पे है तो ज़्यादा पैसा लेंगे, वैसा कोई बात नहीं है। नहीं, तो भैया खुद हमारा अभी कैमरा पकड़े हुए हैं और भैया कह रहे हैं जो बाहर रेट लिया जाता है वही यहाँ पे भी लिया जाता है। और एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे, 25 रुपये में भेल पूड़ी और 30 रुपये में बटाटा पूड़ी मिल जाता है, अब इससे अच्छी बात क्या हो सकता है। और आप लोग क्वांटिटी भी देखे थे, काफ़ी हेवी क्वांटिटी था। और समझिए तो एक आदमी अगर बटाटा पूड़ी लेते हैं तो दो आदमी मिल के खा सकते हैं नॉर्मल, हाँ। क्योंकि इतना क्वांटिटी आप दे देते हैं। तो फिर दोस्तों अपने छोटे भाई को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।